राजसमंद जिले से आया हूँ, लेकिन आपके जिले के सामानों की चर्चा करने के लिए आया हूँ। अब ये देखिए, बड़े विचार करने की बात है कि कंपनी आपके भीलवाड़ा की, और कोई आपको बाहर से आकर के समझा के जा रहा है, बताने के लिए आ रहा है कि आप जागो, मिलावटी सामान खाना बंद करो और शुद्ध सामान है उनको काम में लेना शुरू करो। तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सभी चाहते हैं कि शुद्ध सामान आने चाहिए, और वो आपके यहाँ के हैं। पैसा इन बाद की बात है, मेरा फोकस ज्यादा पैसे पर नहीं होता है। पैसा तो इसमें है, जैसे अपन खेती करते हैं धान के लिए, गेहूं के लिए, मक्की के लिए, खेती तो उसके लिए करते हैं, लेकिन साथ में भूसा निकलता है कि नहीं निकलता है? भूसा आता है कि नहीं आता है? जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे उधर खाकला बोलते हैं, आपके भी खाकला ही बोलते हैं, ठीक है। अब अपन फसल बोते हैं, गेहूं कम हो ज्यादा हो, लेकिन खाकला तो होना ही होना है, समझ रहे हो आप? तो ये जो सामान है, असली फसल ये है। पैसा तो समझ लो कि वो खाकला है, भूसा है। तो फसल यदि अच्छी होगी तो भूसा तो साथ में आ जाएगा। इन सामानों को आप ईमानदारी से काम में लोगे तो इसके अंदर जो पैसा छुपा हुआ आपको आएगा। आप अपने मिलने वालों को बताओगे तो उनको भी, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पैसा उनको भी आएगा। तो मैं आज आपको पैसा समझाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको आपका अच्छा स्वास्थ्य समझाने के लिए आया हूं। तो आपको स्वास्थ्य के बारे में समझना है। एक ऐसे सिस्टम की बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि आपने आसपास बहुत सारी चीजें सुनी होगी, इसमें 5,000 जमा कराओ, इसमें 10,000 जमा कराओ, आपके ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसी फालतू की चर्चा करने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं आपको अपना परिचय दे दूं, अरुण कुमार वैष्णव नाम है मेरा, 22-23 साल की नौकरी है मेरी, राजस्थान सरकार मुझे 80,000 रुपया महीना देती है। कितना? 80,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है मेरे को। परिवार में मैं इकलौता हूं, मेरे पिताजी भी अधिकारी से रिटायर हुए, घर में कोई कमी नहीं है। तो मैं ये जो काम करता हूं, कोई केवल पैसे के लिए नहीं करता हूं, मेरा एक और उद्देश्य भी है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए कुछ काम करें। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसको तो आप नीचे कर दो, आप तो मेरी चर्चा सुनोगे तो ज्यादा फायदा है। ये रिकॉर्डिंग के बाद